सुप्रभात बच्चों, तो आज की पढ़ाई अगले चैप्टर से होगी। चैप्टर 7 तो मैं पढ़ा ही चुका था, इसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका था। अब चैप्टर 8 देखिए, 8 में क्या है। साय के संबंध में मैं पढ़ा दिया था, नहीं इसमें कुछ शेष रह गया था, है ना। तो साय एक दोस्त का नाम है जो बाहर रह रहा है। एक परिवार ऐसा है जिसकी पत्नी रुग्ण अवस्था में रहती है, छोटे छोटे दूध मुहा बच्चे हैं। घर की माली हालत को देखकर उसके पति देव बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, उसमें भी बहुत दूर अफ्रीका चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जाने के बाद उनका नसीब साथ नहीं देता है और वहां भी वह बीमार पड़ जाते हैं। इधर पत्नी पत्र के इंतजार में व्याकुल होती है, बहुत दिन से पत्र नहीं आ रहा है, हाल समाचार कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। वो अलग चिंतित रहा करती है छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर, अपनी अस्वस्थता को लेकर बड़ा पद्र रहती है, चिंतित रहती है। उसमें भी एक और चिंता बढ़ गई, उसके पति का पत्र बहुत दिन से, एक लंबे समय से नहीं आ रहा है, इस बात की भी उसे चिंता हो गई। लेकिन खैर, इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और उन्हें एक बहुत बड़ा धड़धड़ में लिखा हुआ पत्र आता है। पत्र में यही है कि देखो, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मैं हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। उसमें भी यहाँ अफ्रीका में काले और गोरे का जो भेदभाव है, भेदभाव का प्रभाव हम पर भी पड़ा। अच्छे हॉस्पिटल में शुरुआती दौर में मैं एडमिट नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सोर्स पैरवी लगाने के बाद एक अच्छे हॉस्पिटल में तो मैं दाखिल हुआ, एडमिट हुआ। लेकिन जब डॉक्टर से दिखलवाया तो डॉक्टर कह दिया कि बहुत लेट कर दिया तू, बीमारी तुम्हारी बहुत बढ़ गई, अब देखो ऑपरेशन की स्थिति आ गई है, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है, तुम बच भी सकते हो या ऑपरेशन अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, क्योंकि तुमने बहुत इस बीमारी में समय को गुजार दिया है। तो यही तो हालात हैं, इसीलिए पत्र नहीं लिख रहे थे, विलंब हो गई पत्र लिखने में। तो पत्र में पत्नी सोच रही थी कि कुछ खुशी का समाचार मिलेगा, दुख पर दुख आ गया। और एक तो कि निराश जीवन जी ही रही थी, एक और बर्डन उस पर आ गया पति के स्वास्थ्य का। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पुनः
एक और पत्र आया, वह पत्र आशा से भरी हुई पत्र थी, साहस प्रदान करने वाली पत्र थी। उसमें लिखा था कि ईश्वर की, परमात्मा की कृपा से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं और आगे चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। साथ में कुछ पैसे भी भेज दिए कि तुमको वहां दिक्कत होता होगा तो। पत्नी जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, उस पत्नी में आशा की किरणें जगी, कुछ साहस उसे मिला, है ना। उसके बाद ताबड़तोड़ उधर से पत्र आता गया। एक पत्र में लिखा हुआ था कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, हम जो है सो जमीन खरीदना चाह रहे हैं, अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, वगैरह वगैरह। इधर से पत्नी भी पत्र भी लिखती है कि चलिए परमात्मा की कृपा से आप सही हो गए, एक लंबे समय से आप घर पे नहीं आए हैं, इसीलिए आपको समय निकालकर घर पर भी आना चाहिए, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, इसीलिए कभी समय निकालकर मौका निकालकर के आपको आ जाना चाहिए। फिर ये पत्र देते हैं कि ठीक है अभी जो है सो दिक्कत है, हम नया कंपनी खोले हैं, उसमें जो है सो लेबर लोगों का हड़ताल हो गया है, हड़ताल के कारण नहीं आया हूँ, है ना। देखा जाएगा, बेटी की शादी के लिए योग्य वर को ढूंढो, इधर बेटी की शादी के लिए योग्य वर भी ढूंढा गया, है ना। बेटी का नाम था तनु, जो कि अब 18 वर्ष की अवस्था में आने ही वाली है, और बेटा का नाम है अज्जू, जो पढ़ने में बड़ा तेज है, मेहनत करता है, और उसे स्कूल से छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो कहा कि अब शादी के समय में आएंगे, है ना, तन्नू के शादी पर हम अवश्य पधारेंगे, लेकिन तुम योग्य वर की तलाश करना। वैसे अफ्रीका में भी योग्य वर है, लेकिन बेटी की शादी इतना दूर करना मेरे समझ से अच्छी बात नहीं है। शादी इसको अच्छे घर में लग गई, सिर्फ इसलिए कि लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि बेटी का बाप अफ्रीका में रहता है और वहां सोना चांदी बटोर रहा है, मतलब बहुत पैसा कमा रहा है। इस उद्देश्य से अच्छे घर में उसकी शादी लग गई। शादी की तिथि भी निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है, गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय बचा कर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया, इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है, मजदूरों की हड़ताल चल रही है, ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं, वर वधू के फोटो उसे अवश्य भेजें, प्रतीक्षा करेगी करेगा वो। कहा कि देखो शादी में जो खर्च होता है, पैसे, जेवरात,
कपड़े ये सब मैं भेज चुका हूँ। मेरे साथ मजबूरी है, अभी अभी मैं फैक्ट्री खोला हूँ और कारोबार शुरू करते ही मजदूरों की हड़ताल हो गई, जिसके कारण मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। खैर, शादी का तो डेट निर्धारित था ही, उसी डेट पे शादी हो गई बड़ी धूमधाम से, विवाह का पूरा रिकॉर्ड हुआ और उसे भेज दिया गया। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम भी जीते, हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, खेलों में भी पहला, बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला, इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना ना भूले, सारे वस्तुओं के सारे उपहार का फोटो विवाह के फोटो के साथ साथ सारे फोटो को उसने भेज दिया। उसके एवज में उसको एक कीमती कपड़ा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, एक सुंदर सी घड़ी आई, मर्म स्पर्शी, मन को स्पर्श, दिल को स्पर्श छू लेने वाला एक लंबा सा पत्र आया। उसमें लिखा था कि बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा हूँ, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, मेरे बच्चे इसी तरह मेरा नाम रोशन करते रहें, उनके सहारा व जिंदगी की दौड़ कुछ और लंबी खींच लेगा, यह सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है, बच्चे इसी तरह अगर मेरा नाम रोशन करते रहेंगे तो मेरी आयु कुछ और बढ़ेगी, और ये सब जो मैं इतना कर रहा हूँ किसके लिए, बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता, वादे तो पूरा हो ही जाते लेकिन वो घर नहीं आ पाता, कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। बच्चों ने लिखा है कि यदि उनका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। देखिए, अब बच्चे अपने पिता से मिलने के लिए इतने व्याकुल हो चुके हैं कि वह बच्चे अब सोच रहे हैं कि अगर पिताजी को यहाँ आने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही है तो हम ही लोग क्यों ना वहाँ चले जाएं पिताजी से मिलने। नैरोबी मुंबासा के अलावा अन्य स्थान पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है, यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबोहवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता, समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन व्यवस्था है क्या किया जाए। कहा कि देखो ठीक है, तुमने जो कहा है कि बच्चे सभी पहुंच जाएंगे वहाँ आपको आपके दर्शन के लिए, वो तो ठीक है लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि अभी अज्जू की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और भाग दौड़ के चक्कर में उसकी पढ़ाई गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए उसकी पढ़ाई पहले पूरी कर लेने दो। इस बीच मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही समय निकला मैं अवश्य वहाँ आने का कोशिश करूँगा। वैसे काम की तो काफ़ी व्यवस्था है जिसके कारण मैं चाह करके भी घर नहीं आ रहा हूँ, ये मत सोचना, मुझे भी बाल बच्चों की याद
तुम्हारी याद निरंतर आती रहती है, लेकिन आज मैं अगर वहाँ से चला आऊँ तो मेरा सारा कारोबार गड़बड़ा जाएगा, यहाँ कोई विश्वासी व्यक्ति मिलता भी नहीं है। इसीलिए हर जगह अपने ही निगाह डालनी पड़ती है। इसलिए मैं भी इंतज़ार में हूँ, समय मिला तो आ जाऊँगा, लेकिन अभी बच्चे लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई उसको बहुत पहले पूरी करें। एक दिन बाद भी अब पहुँचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की खोज शुरू हुई, पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी, तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार अंतिम बार आपको देखना चाहती है। अब भला वो उसका फादर भी इस जिंदगी दुनिया में होता तब ना आता, वो तो है ही नहीं। देखो कितना रहस्यवादी कहानी है ये, ये सारा क्रियाकलाप हो रहा है, एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास है, पत्नी को विश्वास है कि मेरे पति हैं और उनका दिन अब बहुत ही सुखद हो गया है, काफी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके पति इस दुनिया में होंगे तब ना आएंगे। बताओ कि जो बेटी की शादी में नहीं आया, पत्नी निरंतर बीमार रहती है, उसको देखने भी कम से कम नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आया, दूध मुँह छोटे छोटे बालक हैं, उस बालक का प्रेम भी तो उन्हें खींच लाता, वो बालक के प्रेम से के कारण भी तो वह घर आने के लिए मजबूर होता, कहीं कुछ नहीं, बस बहाना पर बहाना, बहाना पर बहाना, विवस्था है तो ये है वो है दिस है दैट। अंत में क्या हुआ, कहा कि बेटी ये अज्जू की पढ़ाई चल रही है, उसको अभी पढ़ने दो, क्योंकि पढ़ाई भागदौड़ में गड़बड़ा जाएगा। अज्जू अपना स्थिर हो गया, सोचा कि ये भी सही, पढ़ाई भी उसकी पूरी होगी, वो भी समय हो आ गया कि अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। यहाँ से फिर अज्जू पत्र लिखता है कि बहुत लंबे समय से आप घर नहीं आ रहे हैं, पिताजी अब भी तो घर आइए, है ना, देखिए यहाँ अम्मा बीमार चल रही है, बहुत कमजोर हो गई है, हो सकता है वह रहे अथवा न रहे, अंतिम दर्शन करने के लिए, आपका अंतिम दर्शन करने के लिए लालायित है, हाँ अंतिम बार आपको देखना चाहती है, इसका मतलब क्या, अंतिम बार आपको देखना चाहती है इसका मतलब उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है, महीना दो महीना चार महीने का वो मेहमान है। ऐसा पत्र जाने पर भी वह शख्स नहीं आया तो इस दुनिया में होता तब ना आता। प्रत्युत्तर में विस्तार में लिखा, पत्र मिला इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया, अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना बना ली, कहा कि अब मैं नहीं उनको जानकारी दूंगा कि मैं आ रहा हूं, मैं अब पिताजी के पास अचानक पहुंचूंगा, पूरी योजना बना ली उनका लड़का। उसके मन में गहरी उत्सुकता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे, उन्हें कल्पना भी ना की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा, उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा
जब वह पैंट पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता होगा। और जो सोचा कि अचानक जब हम पहुंच जाएंगे ना तो हमारे पापा हमको देखकर बड़े आश्चर्य करेंगे, नहीं नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतर कर वह सीधे उस पत्ते पर चला पड़ गया जो पत्र में लिखा हुआ था। वहाँ ताला लगा था, हाँ उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं, रात को देर से ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करने लगा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा उघड़ा। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया, बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया, एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का किलक रहा है, कहता है यह किसका चित्र है। युवक ने गौर से देखा, कुछ झेपते हुए कहा मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच इतने साल बीत गए जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का मैं जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया था, साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह एक बहुत अच्छी फॉर्म है, यह सब उसी की बदौलत है, कहते कहते वे ठीठक गए। अर्थात उनका मुंह रुलासा रुलाई के तरह उनका मुंह आकृति हो गया। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है भाई, बहन कैसे है, सब ठीक है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं सभी ठीक है, बस यही मैं चाहता था यही। धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया, देर तक शून्य में पलकें टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए वे बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साय मात्र के आश्रय से भंवर से निकलकर किनारे पर आ जाते हैं। बस आज की पढ़ाई यहीं तक रहने दीजिए और पुनः कल इसको पूरा कर देंगे और इससे क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं वो बतला दिया जाएगा। तब तक के लिए आप समस्त छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।